हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय आईवीएफ जर्नी पर। आज जन्माष्टमी के दिन की मैं आपको जो है दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी मैं कान्हा जी को और अपनी राधा रानी को आपको एक बात ये भी बताना चाहती हूँ कि जब मैं प्रेग्नेंट नहीं थी तो मैंने कान्हा जी से ये जो है विश मांगी थी कि जब मेरी बच्चे हो जाएंगे तो मैं राधा रानी को भी लेकर आऊँगी। तो मैं ले आई थी उनकी, मैंने ये मैं अपनी मन्नत पूरी कर दी थी। तो अब बस मैं उन्हें तैयार करने वाली हूँ। मैं कान्हा जी के लिए भी ड्रेसेस ले आई थी और दोनों बच्चों के लिए भी ड्रेसेस ले आई थी। ये झूला जो है वो पिछली बार जब मैं प्रेग्नेंट थी तब लिया था मैंने, क्योंकि कान्हा जी को जब मैंने अपने घर में लेकर आई थी तो सिर्फ मुझे 8 महीने हुए थे या 9 महीने हुआ होंगे, तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मतलब नेक्स्ट बर्थडे जब मैंने कान्हा जी का फर्स्ट बर्थडे मनाया था तो मैं प्रेग्नेंट थी। तो ये मैं उनकी ड्रेसेस ले आई थी, मैं कान्हा जी और राधा रानी दोनों की येलो कलर की ड्रेसेस ही लेकर आई थी, क्योंकि मैं जो है अपने कान्हा जी को अपने बच्चे की तरह ही रखा है शुरू से, और इसीलिए मैं राधा रानी और कान्हा जी के लिए दोनों के लिए येलो कलर की ड्रेसेस लाई हूँ और अपने दोनों बच्चों के लिए भी येलो कलर की ही ड्रेसेस लेकर आई हूँ। और वैसे तो और भी कलर्स की ड्रेसेस मैंने सुनी है होती हैं और देखी भी थी, पिंक कलर की ड्रेसेस भी थी, तो लेकिन मैं जो थी येलो कलर की ड्रेसेस ही लेकर आई, क्योंकि येलो कलर की ज़्यादातर डालते हैं। ये दोनों के ड्रेसेस है, पैटर्न अलग अलग बना हुआ है, साथ में धोती दी हुई है तो पहली बार। और ये दोनों जो हैं अभी इनको मैंने दूध पिला दिया है क्योंकि वहाँ मंदिर में लेकर जाएंगे, तो अभी बस इनकी वीडियो जो है वो देख रहे हैं, ये अपनी पॉइंट्स वगैरह देखते रहते हैं। इनको पॉइंट देखने का बहुत शौक है, नीचे ही मैंने इनको लेटा दिया। नीचे मैंने इनको इसलिए लेटा रखा है क्योंकि क्या है ना कि अब ये पलटी मारने लग गए हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। तो नीचे जो है मैंने 3 से 4 बार अगर कभी मैं वीडियो दिखाऊंगी आपको, मैंने बनाई भी थी अपने ब्रदर को दिखाने के लिए, तो 3 से 4 बार ये छोटे वाला जो बेटा है मेरा, ये जिसको मैं अब दिखा रही हूँ, ये तीन बहुत ज़्यादा पलटी मारने लग गया फटाफट, तो ये जो है नीचे गिरने से बचा है 3 से 4 बार। तो हम मैंने अचानक से देख लिया तो मैं इसलिए नीचे ही लेटा देती हूँ, पास में बैठ जाती हूँ। तो यहीं पर मैं कान्हा जी को इसलिए तैयार कर रही हूँ, मंदिर के पास नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं इनका भी ध्यान बीच बीच में रखती रहूँगी। इनके भी कपड़े मैंने निकाल के रख दिए हैं। तो ये जो आप ये चौकी देख रहे हैं, ये हमारे वहाँ पर एक बिलासपुर में कपाल मोचन का मेला लगता है, वहाँ से लेकर आए थे, इनकी दादी लेकर आई थी और मैं छोटी वाली लेकर आई थी जिसमें मैंने कान्हा जी को बिठा रखा है। तो ये मोर के पंख हैं, इनको मैं काट रही हूँ कि काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो अभी जब बीच में मेरे हस्बैंड आ गए थे तो ये मैं चाय बना रही हूँ, और मैंने रात को जो था वेडनेसडे को पिज़्ज़ा मंगवाया था, तो ये जो पिज़्ज़ा है वो बना रही हूँ मैं, उस पे ऑफ़र था तो एक तो हमने रात को खा लिया था और एक अब जो है मैं गर्म कर रही हूँ उसको। इसको मैं ऐसे ही कढ़ाई में भी बना लेती हूँ, खुद घर पे भी बना लेती हूँ, लेकिन बाहर का कुछ टेस्ट अलग होता है। इस पे बस थोड़ी सी मैं चीज़ ऐड कर रही हूँ बस इसको अब मैं कढ़ाई में। वैसे तो ओवन है, ओवन मैंने अभी निकाला नहीं है, ओवन विंटर्स में ही मैं ज़्यादातर निकालती हूँ, समर्स में मैं ओवन अंदर रख देती हूँ, ओवन में अच्छे से गर्म हो जाता है, बस ये रहता है। बस अब जो है बच्चे जो हैं दोनों हस्बैंड आ गए थे तो इसलिए मैं चाय बना रही थी, उनको बीच बीच में देखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, वो अपनी पोइम थोड़ा सा एंजॉय करते रहते हैं, उनको थोड़ी सी पोइम देखने की हैबिट हो गई है, ये भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात हो गई है। बस दूसरे कमरे में मैंने अपना फ्रिज रखा हुआ है तो बीच बीच में मैं काम भी करती रहती हूँ, उनको भी देखती रहती हूँ। अब हस्बैंड जो है वो वीडियो बना रहे हैं इस टाइम पे, तो क्योंकि हस्बैंड आ गए थे तो मैंने फटाफट, या तो वो सोते हैं तो ही मैं काम करती हूँ ज़्यादातर, अगर कई बार पॉइंट भी देखते रहते हैं बीच बीच में काम भी करना पड़ जाता है, वैसे तो सुबह उठ के मैं ज़्यादातर काम कर लेती हूँ। तो बस अब मैंने कान्हा जी को तैयार कर दिया है और राधा रानी जी को भी तैयार कर दिया है। येलो कलर की मैं ड्रेसेस लाई थी और येलो कलर की मुकुट लेकर आई थी। तो कान्हा जी और राधा रानी दोनों अपने आराम से बैठे हुए हैं और इनकी कृपा से ही जो है मुझे ये दोनों लड्डू गोपाल मेरे मिले हैं, और उनको लड्डू गोपाल को भी बस मैं तैयार करने वाली हूँ, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये दोनों लड्डू गोपाल को मैंने तैयार कर दिया है, ये मेरा बड़े वाला बेटा है, इसके लिए मैंने पैसिफायर यूज़ किया हुआ है, छोटे के लिए भी और बड़े के लिए भी, दोनों के लिए, क्योंकि इसकी धोती जो थी टाइट थी, थोड़ी सी फट गई थी, तो बस ये छोटे वाले के लिए, छोटे वाले को और बड़े वाले दोनों बेटों को मैंने तैयार कर दिया है। और बस अब थोड़ी देर में इनके पापा आने वाले हैं, वो देखा आपने, ये अभी मैंने इसको बहुत दूर लेटाया था और ये खिसकता खिसकता आगे आ गया है। बस अब मंदिर की भी
पूरा मैंने तैयार कर लिया था, कान्हा जी को, राधा रानी को, दोनों को मैंने बिठा दिया था यहाँ पर। और बस अब इनको तैयार करने के बाद जो है हम मंदिर चले जाएंगे, यहाँ पर भोग लगा दूँगी। मैंने धनिया का जो प्रसाद बनाते हैं इसमें वो बना दिया था। बस ये मैंने जो है कुछ पहले तो मेरे पास छोटी छोटी मूर्तियाँ थी, छोटा सा मंदिर था। जब फिर पहले मैं दूसरे घर में रहती थी, पहले तो मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी ना, तो आपको नहीं पता मैं पहले कहीं और रहती थी, हमारी शॉप है उसके ऊपर ही रहती थी मैं। अब उसके बाद यहाँ पर आई थी तो मैंने बड़ा वाला मंदिर ले लिया था। कान्हा जी और राधा रानी दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं देख के, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे मन में इतनी खुशी हो रही है। अभी तो मैंने बहुत सी मन्नत मांगी हुई है, सिर्फ एक ही मन्नत अभी मैंने पूरी की है और भी जो मेरी सारी मन्नत है धीरे धीरे कुछ याद हैं। मैं जहाँ भी जाती थी मन्नत अपनी मांग लेती थी, उसे पूरा करूँगी। अब बस देखिए ये दादी है इसकी और मैं हूँ, हस्बैंड हैं, तो हम दोनों जो है लेकर जा रहे हैं मंदिर। इनको मंदिर पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए पैदल ही जा रहे थे हम। तो बस बहुत खुशी हो रही थी, हर बार जन्माष्टमी पे जाते थे लोग अपने बच्चों को तैयार करके लेकर आते थे तो मन करता था कभी हमारे भी किस्मत में ऐसा दिन आएगा, और आज वो दिन आया है। ये सारी तैयारी हो रखी थी यहाँ पर, बाहर से डेकोरेशन हो रखी थी। सढ़ोरा में रहती हूँ मैं, देखिए यमुनानगर के पास मैंने आपको बताया था। तो बस यहाँ पर हम पहुँच गए हैं, देखिए सब अपने कान्हा जी को भी लेकर आए हुए हैं यहाँ पर और सब बच्चों से मिल भी रहे थे बीच बीच में कईयों ने, तो क्योंकि हम बच्चों को कम ही बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड के फ्रेंड्स भी थोड़े बहुत खड़े हुए थे तो वो भी ये जो है प्रोग्राम पार्टी आई हुई थी, तो ये जो पार्टी है ये बाद में थोड़े टाइम बाद ही जो है वो स्टार्ट करेंगे। इस पार्टी में जो है मतलब कि ये काफ़ी 12 बजे तक करेंगे, 12 बजे कान्हा जी को झूले में डालेंगे। वैसे तो मेरे हस्बैंड ने बोला था कि 11:30 बजे, अभी तो 9 बजे का टाइम हो रहा था, 11:30 बजे भी दोनों में से एक को टोकरी में बिठाते हैं कान्हा जी के रूप में तो बिठाएंगे, लेकिन ये दोनों जो था वो सो गए थे। तो फिर जो है मैंने ये ब्लॉग जो है मैं एडिटिंग बाद में कर रही हूँ, तो ये दोनों सो गए थे तो फिर नहीं इनको लेकर गए थे। तो यहाँ पर अपने कान्हा जी जो लेकर आते हैं वो यहीं पर बिठा देते हैं, जो बड़े वाले कान्हा जी हैं वहाँ पर मैं हर बार जो है बांसुरी जो है वो लेकर जाती हूँ। तो पिछली बार भी मैंने बांसुरी दी थी, पिछली बार की मैं आपको बात बताऊँ तो कान्हा जी ने येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, तो येलो कलर की ड्रेस में और मेरी जो बांसुरी थी वो भी येलो कलर की थी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि कान्हा जी ने मेरी जो है ये बांसुरी को एक्सेप्ट कर लिया। तो अब जो है बस हम झूला देंगे कान्हा जी को, हम प्रसाद लेकर आए थे, फ्रूट्स वगैरह ले आए थे वही इस बार। वैसे तो हर बार मैं प्रसाद मंदिर में भी लेकर आती हूँ, खीर भी बनाती हूँ, लेकिन इस बार जो है मैंने सिर्फ फ्रूट्स वगैरह ही ले आई थी। ज़्यादा झांकियाँ तो यहाँ पर नहीं लगी हुई थी, दूसरे वाला मंदिर था वहाँ पर भी हम जाते हैं, लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पर, बारिश नहीं हुई थी अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, पसीना पसीना हो गए थे सारे, तो बच्चों को भी गर्मी लग रही थी ये वाली ड्रेस में। तो यहाँ पर जो था मतलब फ़ैन वगैरह तो था लेकिन गर्मी लग रही थी। तो ये जो था हमारा सबसे जो था, अब पहली बार मैं बच्चों को लेकर आई हूँ यहाँ पर, शिवजी भगवान जी की मूर्ति को स्थापित किया है, शिवलिंग को स्थापित किया है सॉरी। तो ये जो शिवलिंग है ये पहले छोटा शिवलिंग था, अब यहाँ पर बड़े शिवलिंग को स्थापित किया है और इतने सुंदर लग रहे थे ये शिवलिंग, मतलब कि देख के ही इतना मनमोहक लग रहा था देखना। और बच्चों को पहली बार लेकर आई थी आशीर्वाद लेने के लिए, मैंने सोमवार के व्रत भी अपने रखे थे और सोमवार के व्रत मैंने बोला था कि मैं अपने बच्चों के हाथ से ही उसका जो अध्यापन करूँगी, और अभी मैंने अध्यापन भी नहीं किया है। मैं बच्चों को लेकर वापस आ गई थी, उसके बाद हस्बैंड जो थे वो वहीं पर मंदिर में ही थे, और वैसे वो बीच में आ गए थे, खाना खाया था उन्होंने और फिर चले गए थे वो। उसके बाद ही मंदिर में जो है ये आरती हो रही थी, पंडित जी आरती कर रहे हैं, मैं तो वहाँ पर नहीं थी। हस्बैंड को बोला था कि आप जो है वहाँ पर की वीडियो बना कर लेकर आना, तो वो वीडियो बना कर लेकर आए थे। तो बस अब आरती हो रही थी मंदिर में, कान्हा जी की ये बहुत बड़ी मूर्ति है यहाँ पर, ज़्यादा बड़ी तो नहीं, मतलब ठीक ठीक है, बड़ी है काफ़ी मूर्ति। तो यहाँ पर जो है जो भी जिसका मन होता है, जैसे किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने कुछ कान्हा जी को जो है
यहाँ पर मैं बांसुरी दे देती हूँ, सब वैसे बांसुरी वगैरह ही देते हैं, कोई जो है मुकुट दे देते हैं। यहाँ पर बस पार्टी स्टार्ट हो गई थी, ये 12 साढ़े 12 बजे तक इन्होंने किया था। यहाँ पर राधा जी और कृष्ण जी बने हुए थे, काफ़ी लोग आ गए थे। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, जब हम गए थे तो बिल्कुल कम लोग थे वहाँ पर, ज़्यादा नहीं थे। तो हम पहले पहले ही चले गए थे, क्योंकि बच्चों के सोने का टाइम हो जाता है, उन्हें दूध भी पीना होता है, तो बच्चों का देखना पड़ता है थोड़ा। तो इसीलिए आगे अगले साल तक थोड़ा वो चलने लग जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो फिर भी चलो हम बैठ सकते हैं। अभी तो वो कुछ इतना खाते पीते भी नहीं है, सिर्फ दूध थोड़ा बहुत जो है बीच बीच में खाना उनको स्टार्ट किया, 7th मंथ जैसे उन्हें लग गया है। लेकिन दूध का तो रहता ही है बच्चों को, अभी इतने बड़े नहीं हैं, तो थोड़े खेलने वाले हो जाएंगे अगले साल, तो जो है चलने वाले हो जाएंगे। तो हम उनको अपने साथ जो है थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठने का मेरा मन तो था, लेकिन गर्मी भी थी जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इसलिए जो है मैंने इस चीज़ को अवॉइड किया। तो मैंने इसीलिए हस्बैंड को बोला था कि आप प्लीज़ प्लीज़ वीडियो बनाकर लेकर आना, मैं अपने ब्लॉग में भी इसको ऐड करूँगी। तो इसीलिए बस अब ब्लॉग में भी ऐड कर रही थी, आप सबको भी दिखा रही थी कि यहाँ पर जन्माष्टमी जो है वो किस तरीके से मनाई जाती है। तो आप सब भी मेरे साथ अपनी ये जो है ज़रूर शेयर करना कि आपके वहाँ पर जन्माष्टमी जो है वो किस तरीके से मनाई जाती है, कैसे आपने, क्या आपने जन्माष्टमी का व्रत रखा। मैंने जन्माष्टमी का व्रत तो नहीं रखा था, वैसे तो मैं रखती हूँ जन्माष्टमी का व्रत। वो इसलिए नहीं रखा था क्योंकि एक तो बच्चों के साथ सारा दिन घर का काम करना होता है। तो ये बीच में ब्लॉग जो है मैं ऐड कर रही हूँ, ये बीच बीच में ब्लॉग्स जो हैं वो पहले का ब्लॉग था, तो ऐड कर रही हूँ। ये मंदिर में अंदर भी मंदिर बना हुआ है कान्हा जी को, वैसे ये जो आप देख रहे हैं इधर वाइट कलर का मंदिर यहाँ पर स्थापित किया हुआ है, लेकिन जो है बाहर अब झूला लगा रखा था बड़े वाला, तो इसलिए वहाँ पर बिठा रखा था। तो अब जो है सारे मंदिरों में हम यहाँ पर जो मंदिर है माता जी का बना हुआ है, और यहाँ पर बस उनको माथा टेका रहे थे क्योंकि ये पहली बार आए थे। जैसे अभी तक हम किसी भी मंदिर पे नहीं गए हैं, और हम अभी किसी देवी पर, जैसे कि बड़ी बड़ी देवी होती है, त्रिलोकपुर है, वैष्णो देवी है, अभी हम कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पर होता है, शायद से सबके होता होगा कि किसी देवी पर तभी जाते हैं जब बच्चों का मुंडन हो जाता है, और हमारे में बच्चों का मुंडन जब करवाएंगे तब भी हम किसी देवी पर जा सकते हैं। वैसे हम मंदिर में जा सकते हैं, जैसे पिछली बार मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं इस्कॉन टेम्पल में भी गई थी, अपने घर गई थी यमुनानगर, तो वहाँ पर गई थी। वैसे छोटे छोटे मंदिरों में हम जा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा हम कहीं पर भी जो है देवी पर नहीं जा सकते, जो हमारी देवी होती हैं, जैसे कि त्रिलोकपुर हो गया, त्रिलोकपुर बना हुआ है यहाँ पर कालाम में, कुछ लोगों को शायद पता हो। और ये शनिदेव जी की मूर्ति है बाहर, जो है शनिदेव जी की मूर्ति स्थापित की हुई है, ये मंदिर है हमारा यहाँ का। तो बस जो है कुछ लोग जो है पहली बार बच्चों को देख रहे हैं, तो उनसे मिल रहे हैं, तो बहुत से बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो देखकर खुश हो रहे थे। यहाँ पर राधा रानी और कान्हा जी जो बने हुए थे वहाँ पर भी हमने जो है उनकी गोदी में भी दोनों को दिया था, और वो दोनों देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे बच्चे, उन्होंने इसको उनको उठाया भी और वो खुश हो रहे थे देख के। बस ये जो है बस अब थोड़ी थोड़ी भीड़ होनी शुरू हो गई थी, बस स्टार्ट होना शुरू हो गया था, क्योंकि 2-1 घंटे का 2.5 घंटे का ही प्रोग्राम होता है, तो 9 साढ़े 9 सवा 9 तो हो ही गए थे, तो बस आने शुरू हो गए थे। छोटे छोटे बच्चे जो थे उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, उनको बहुत खुशी हो रही थी इस चीज़ की, क्योंकि बीच बीच में जो था प्रोग्राम वगैरह चलते रहे, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को ज़रूर ज़रूर आप लाइक करना, और सब आप सब भी जो है अपने कान्हा जी की, अगर आपके पास फ़ोटो है, आपने उन्हें तैयार किया है, तो आप प्लीज़ उन्हें भेजना, और अपने कान्हा जी से प्रार्थना करना कि सबके लिए शुभ हो, और सबके लिए ये जो है बड़ा दिन हो जाए। मैं भी कान्हा जी से यही प्रार्थना करूँगी कि आप सबकी झोली जल्दी से भर दे। राधे।